गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? चलिए आज ये जल्दी से लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग हो गया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बच्चा कह रहा था बालवीर के सर जी आ जाइए नहीं तो हम डिसलाइक कर देंगे। क्या भाई बालवीर आए? यही सब नाम बालवीर और काम ऐसा। चलो भैया गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ आई भाई। प्रदीप, शीला, अतुल, ललन, बाबू, हिमांशु, दाऊद, अनूप, विशाल, क्या हाल है भाई सभी के? हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब तगड़ा एकदम चल रहा है, एकदम पूरे मौज में हो, एकदम भौकाल में, सब बढ़िया है। चलो भाई तो क्या कहते हैं, आज है 6 मार्च। 6 मार्च को किसी भी शिफ्ट का एग्जाम तो था नहीं। अब एग्जाम नहीं था तो पढ़ना तो ऐसा है कि नहीं पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे जबरदस्त कि कल से अगर पेपर हमारा हो जाए तो हम तोड़ फोड़ के किनारे कर दे, है कि नहीं है। एक बड़ी शिकायत आ रही थी बच्चों की, सर जी रीजनिंग आप नहीं कराते हैं। अब बात आई रीजनिंग क्यों नहीं कराते। रीजनिंग इसलिए नहीं कराते क्योंकि अभी कराने वाले हैं, और दो चार खुशखबरियां भी आप सभी के लिए हैं जिसको देख के आप एकदम गदगद हो जाओगे। पूछो क्या खुशखबरी है? पक्का है, सोचो क्या खुशखबरी है। तो भाई देखते हैं यार क्या खुशखबरी है। तो सबसे पहली खुशखबरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आई थिंक आपको अपनी स्क्रीन पे पूरी तरीके से दिखाई दे रही होगी। खुश हो कि नहीं खुश हो आप खाली ये बता दो यार सभी के सभी। खुश हो तो कल सुबह 9 बजे से एक क्लास लगेगी आप सभी के लिए, और वो क्लास होगी कंप्लीट DI की। मतलब एक क्लास और पूरी DI का हो गया समाप्ति। मतलब कल संडे को कुछ बचेगा नहीं, ये बात याद रखना। और दूसरी बड़ी बात है, कल 12 बजे जो आपके सर हैं किस चीज के भैया? साइंस वाले। तो कल साइंस वाले सर भी 12 बजे लेकर आ रहे हैं मैराथन। बायोलॉजी के टॉप 100 ऐसे उन्होंने क्वेश्चन एनालिसिस कर रखे हैं जो कि बार बार ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो कल का दिन आपके लिए बड़ा शुभ होने वाला है, जबरदस्त होने वाला, शुभ होने वाला है, पक्का है। CI और SI के दो कॉन्सेप्ट ने कमाल कर दिया। अरे वाह ठीक है। शाम को 7 बजे डेली जो क्लास चलती थी, अभी हम यहाँ पर रीजनिंग करने को तैयार हैं। तो एक काम करो ना सभी लोग, जितने बच्चों के पास कॉपी और पेन अवेलेबल है और वो रीजनिंग में अपना पूरा दम दिखाना चाहता है कि यार रीजनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बाद अभी साइंटिफिक नेम भी करेंगे, वो सारा बच्चा जरा कमेंट बॉक्स में रेडी कमेंट कर दो और फिर स्टार्ट कर देते हैं रीजनिंग। और एक ऐसी शानदार रीजनिंग की क्लास जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत बेहतरीन। बट भैया ऐसे नहीं, कॉपी और पेन सभी के पास होने वाला चाहिए, और कॉपी पेन के साथ जबरदस्त पूरा जोश होना चाहिए और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। तो आई थिंक आप सभी पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग और समझेंगे रीजनिंग भैया क्या है, कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। हो पूरा तैयार? एक बच्चा कह रहा DI करवा दीजिए। इसी लोग को, इसी तरह के लोगों को पटक के मारने मन होता भाई। सुबह दिखा रहा कि कल सुबह 9 बजे DI क्लास चलेगी, फिर भी कह रहे DI करा दीजिए। तो कल सुबह क्या करोगे उनको उठ के 9 बजे? हाँ पक्का है। आओ जरा देखते हैं। एक और बच्चा कह रहा सर जी वाच कराओ। वाच नहीं, वो घड़ी होता है, क्लॉक बोलते हैं उसको, वाच नहीं बोलते हैं, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन पे आते रीजनिंग के और करना शुरू करते रीजनिंग वाले क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखे जो बहुत ही तगड़े बहुत ही बेहतरीन है। भैया हमने कहा अगर 50 से 65 बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरा बता दो कि 122 से क्या बनने वाला है। अगर आप सभी के लिए 50 से बन रहा है 65 तो 122 से क्या बनेगा, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, इस बात को याद रखो। पहले सभी के सभी बच्चा कमेंट करना शुरू कर देना कि सर जी ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या बन सकता है। एवरीवन एंड एवरीबॉडी। और बताओ भाई 145 कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स जल्दी से करना शुरू कर दो भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल सा है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना। ये 50 है क्या? 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 1। सिंपल है। तो भैया ये क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। कहां 12 का स्क्वायर? ये तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगला क्या आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 1। और 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और उसने अगर आपने 1 जोड़ दिया तो भैया आपका आंसर 145 आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका B इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। कर पाए हो? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना? अगले क्वेश्चन पे आज दिख रहा है भैया, देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ, बाज और शेर, क्या हो सकता है इसमें से सही आंसर? सोचो जरा जल्दी से बताओ, है ना। और मगरमच्छ, बाज और शेर B आ रहा है कुछ बच्चों का, ठीक है भैया। और जरा बताओ क्या हो सकता है? C आ रहा है। और जरा देखो भाई, मगरमच्छ पानी में रहता है, बाज हवा में उड़ता है, और शेर जमीन पे रहता है, तो क्या कोई बात मिली क्या इन लोगों में? नहीं मिली ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या किसी बालक बालिका को कोई परेशानी है? नहीं परेशानी है। बिल्कुल आराम से कर पा रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से कर पा रहे हैं। हमसे पूछा गया इन सभी नंबर में से ऑड नंबर कौन सा होगा? जरा जल्दी से पढ़ो और बताओ कि इन सभी में ऑड कौन सा होगा। और भैया आज मजा आ जाएगा रीजनिंग के इस क्वेश्चन को करने में, मजा ही आएगा, तगड़ा मजा आएगा, है ना। पीडीएफ नहीं मिला, पैसा कट गया तो मेल पे जाइए और मेल पे तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। मेल पे भी नहीं मिलता है तो भाई हम लोग की जो क्लासेस का मेल है उसी पे मेल कर देना, पता चल जाएगा भाई। वेरी गुड। कैसे आएगा भाई? देखो यहाँ पे गैप कितना है, एक का गैप है, यहाँ पे एक का गैप नहीं दो का गैप है। ए के बाद बी छूट गया, फिर सी आया, डी छूट गया, फिर आया, बट यहाँ पे कुछ भी चीज छूटी नहीं, ये लगातार दे रखा है। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आ जाएगा। हर बच्चे का आंसर आ भी जा रहा है, बिल्कुल आराम से कर पा रहे हो। अगले पे आ जाओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं, तगड़े तरीके से पूछे जाते हैं। बताओ भाई कैसे कर पाओगे? कॉपी पेन लेकर बैठे रहो, रीजनिंग का पूरा समाप्ति करने वाले भाई। बिंदु एक्स से शुरुआत करते हुए जयंत पश्चिम की ओर बढ़ा, 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 12 मीटर चला। तो एक्स से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है, दोनों बात आपसे पूछी गई है। जरा जल्दी से बता दो भाई और सोचो जरा सा क्या हो सकता है। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं लेकिन बिना लगाए तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। लगाओ फिर बताओ कि आया कि नहीं आया भाई। और चलो भैया देखते हैं कितने बच्चों का आ रहा है। ए आ रहा है किसी का, डी आ रहा है। देखो भाई हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी अगर आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा ना भैया, एक चीज दिन अपने माइंड में हमेशा याद रखना। कौन सा चीज? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। मतलब ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा और ये आपका पूरब होगा और ये आपका पश्चिम होगा। ये बात हमेशा याद रखना, बस क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आते हैं, एक्स से शुरुआत किया और जयंत पश्चिम की ओर 15 मीटर चल दिया। भाई मान लो यहां से शुरुआत हुआ और पश्चिम की ओर चल दिया 15 मीटर, ठीक है। हमने कहा बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। भैया इधर से दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा और 20 मीटर चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चल दिया। फिर इसके बाद यहां आ जाएगा तो दायां इधर बायां इधर, फिर यहां पे क्या चल दिया, 15 मीटर चल दिया। अच्छा अगली बात पे आते हैं, उसके बाद दायां मुड़ा और बायां चल दिया। अब वो ऐसे जा रहा है और दायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ा यानी 12 चल दिया। अब जरा देख लो भैया, तो कहता है कि एक्स से कितनी दूर पर और किस दिशा में, यानी वो यहां से स्टार्ट किया था और ये दूरी आपको बतानी है। तो ये तो 12 हो गया, ऊपर 20 हो गया, 20 और 12 32, किसी में दे रखा 32, सिर्फ एक में दे रखा है। दिशा से क्या ही मतलब। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओ। पक्का है भैया, सबको समझ में आ गया? चलो भैया अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आ भी जाना था समझ में क्योंकि बहुत तगड़ा ही क्वेश्चन था। देखो भैया ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप सभी बच्चों को? एक बार देख लो, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो मैं बना दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार सा क्वेश्चन है ना। दिख रहा है? चलो आ जाओ दिखा देता हूं, मैं परेशान ना हो। एक बार शेयर मार दो, अपने दोस्त सगे संबंधी भाई बहन सबको लेकर जल्दी से आ जाओ। ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये 8 हो गया, ये 27 हो गया, ये 25 हो गया, ये 13 हो गया, ये 26 हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताओ क्या होगा, और नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा। क्वेश्चन मार्क की तरफ बताओ क्या होने वाला है और सोचो जरा, सोचो क्या हो सकता है वहाँ पे, सोचो। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अंदर की बात इसमें पूछ लिखी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा जरा बताओ भाई, और सोचो भैया क्या हो सकता है। एकदम दिमाग से सोचो कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर करा दिया हमने। अब देखो भाई जिसका दिमाग चल गया होगा, एकदम चल गया होगा, क्या है ये दोनों का सम करो, मतलब क्रॉस क्रॉस का सम कर दो, 34 आ गया। इसका भी सम करोगे तो 34 आएगा, इसका भी सम करोगे तो 34 आएगा। तो यहां पर भी वो संख्या होनी चाहिए कि सम करने पर 34 आ जाए। तो कितना है, 13 में जोड़ो कि 34 हो जाए, तो 21 का आगे जोड़ेंगे, 21 आ गया। है बढ़िया क्वेश्चन कि नहीं है भाई? तगड़ा क्वेश्चन था, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा जरूर जाना था भैया। तो ऐसा सम करो कि आपका 34 आ जाए, क्वेश्चन आपके तुरंत चुटकी में सॉल्व हो जाए, कुछ खास ना करना रह पाए। अगला आ जाओ, बताओ ऑड कौन है भैया इसमें से? सोचो। बाप रे इतना कठिन सर जी? हाँ हमने कहा भैया रेलवे का पेपर देने जा रहे हो और ऐसे अब पेपर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आसान थोड़ी देखने को मिलेंगे। जो कह रहे हो हाँ सर जी ठीक है हो जाएगा। सबसे ऑड कौन दिख रहा है इसमें बेचारा? और ठीक है, सोचो जरा सा, सोचो जरा सोचो क्या लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फिर दिमाग लगाओ, फिर लाइक करो, फिर आगे बढ़ो। कुछ बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और सोचो जरा क्या हो सकता भाई, और कितना बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा, जरा कमेंट बॉक्स में नो दागो। कितना ऐसा बच्चा जो नहीं कर पा रहा, जरा कमेंट बॉक्स में नो बोलो भैया। आओ जरा देखते, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या हो सकता आखिर इस क्वेश्चन में। 222 है ना, वो 130 है। जरा 222 को देखो, हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब प्लस 6 लिख सकते हैं, 16 6 22, ठीक है। इसको 11 का क्यूब कहाँ हो पाएगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, 25 25, ठीक है। 5 का क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं, ये आएगा आपका 6 200 700 900 300 800 900 500 12। 8 का क्यूब प्लस 8 लिख सकते हैं। देखो भाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसको 7 का क्यूब 343 नहीं लिख सकते, -7 आ जा रहा है ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। अरे कर पाए कि नहीं कर पाए, इजी लगा, आसान लगा, बिल्कुल आराम से कर पाए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। वो क्यूब प्लस वो नंबर था, जबकि यहाँ पे अलग हो जा रहा है। भैया बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताओ क्या होगा। 10 23 12 24 क्वेश्चन मार्क, 16 80 19 35 22 8 क्या हो पाएगा। और जरा सोचो भैया क्या हो सकता है। और जरा सोचो, और भैया सोचो, कुछ दिमाग चल रहा है क्या कि क्या हो सकता है। चलो आओ देखते भैया, दिमाग कुछ चल रहा है। आओ ये जरा देखोगे तो 31 गुणे 33 है 33 में 1 जोड़ो 34 और 2 का डिफरेंस आना चाहिए 36। 34 गुणे 36 ये है। 36 में 1 जोड़ो 37 और 2 का डिफरेंस आना चाहिए 39, ये आपका ये होना चाहिए। तो 9 7 63, लास्ट में जिसके 3 वही हो गया राजा। ऑप्शन नंबर ए। क्या बात सभी को समझ में आ रहा? अरे हाँ या ना, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एकदम मजा आ रहा है। हाँ सर जी, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लाए हो रीजनिंग का, और यही हमें चाहिए था, है ना। लुल्लू पुंजू वाले क्वेश्चन तो कोई भी करा देगा आपको। अगला क्वेश्चन आओ। अगर कैलेंडर को 49 लिख रहा है तो कैलकुलेटर को क्या लिखेंगे, जरा जल्दी से बताओ भाई। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहे हैं इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए वजह से वो आपको अनअकैडमी प्लस पे मैं करा दूंगा, अनअकैडमी में जो फ्री वाली क्लास है उसमें करा दूंगा। क्या हाल है भाई करनेस? ठीक है। कैलेंडर को अगर हमने 49 लिखा है तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर के क्या लिखेंगे? ये बहुत जानदार क्वेश्चन है भाई, समझ ही नहीं आएगा कैसे क्या हो सकता है जिंदगी में। आओ भैया लगा लो सभी अपना दिमाग, सभी अभी अपना दिमाग लगा दो। 91, कुछ बच्चे का कह रहा है 91, मैंने कहा गलत आंसर है। और कुछ बच्चों ने कहा 100, हमने कहा गलत आंसर है। अब बताओ अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा? कुछ बच्चों ने कहा 64, हमने कहा गलत आंसर है। ओ माय गॉड, अब क्या ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भैया। 49 होगा, जरा समझो, पूरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये 8 है क्या? नहीं, यहाँ पे तो ई 2 बार दिख रहा है ना, तो एक ही बार काउंट करोगे। हमने सारे वर्ड को काउंट किया, बट जो 2 बार दिख रहा उसको एक ही बार काउंट करोगे। तो इसका मतलब 8 नहीं, ये सिर्फ 7 है, और जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। यहां भी काउंट करो, सी 2 बार है तो सिर्फ एक बार काउंट करोगे, ए 2 बार है तो सिर्फ एक बार काउंट करोगे, और कोई है? और एल 2 बार है तो एक बार काउंट करोगे। और 1 2 3 4 5 6 7, बोलो भाई राम राम, 49। ए सर जी अब क्या ही करा दे भाई, इतना खतरनाक भी ना ही करा दीजिए, है ना। और बताओ कुछ जुगाड़ बना? सही है, बढ़िया है, जबरदस्त है। ये तो देखा ही नहीं, ये क्या आज तक पहली बार आपको मिला है कि नहीं मिला भाई ये तरीका? और ये कहाँ मिलेगा? सिर्फ एमडी क्लासेस में मिलेगा, है कि नहीं? कहाँ मिलेगा दादा? एमडी क्लासेस में मिलेगा। और अब मिल गया है तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? खत्म हो गया। जब इसकी प्रैक्टिस जब इसकी मिलेगी, अब इसके बाद तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और जब पीडीएफ मिलेगी इसकी प्रैक्टिस सेट कर डालना, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस कर डालना। जब नहीं प्रैक्टिस करोगे तो सब भूल जाओगे, प्रैक्टिस कर डालोगे तो फिर हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। तो गलती ना करना। चलो भैया अगले पे आ गए, दिख रहा भाई लोग को? देखो जरा जल्दी से एक बार, दिख रहा है? बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, नहीं दिख रहा तो दिखवा देते हैं। ये मत सोचो सर जी हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेकर आए है ना, ये ना सोचना भैया, हमने कभी हार्ड क्वेश्चन नहीं लाए, हम वही लेकर आते जो एग्जाम पे चल रहे होते हैं, है ना। हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं लेकर आया यार, हार्ड तो अब आपको लेकर अगर आ जाएंगे मैथ वोथ के हार्ड होड ना तो पॉटी कर दोगी ये बैठे बैठे, सही बता रहे हैं। मेंस का पेपर अगर हमने उठा लिया कोई भी, या साउथ का हमने वो वाला पेपर उठा लिया तो फिर सभी ओपन मार खाओगे घर पे, बताओ भाई क्या। अरे इतना जल्दी, इतना जल्दी क्या खा लिए भैया सब के सब, इतना जल्दी तुरंती ये दोबारा आ गया मुझे लग रहा है। इसका मतलब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, ये मान गया इसका मतलब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहा है भाई, सिंपल है। 15 चौका 60 सीधी सी बात, 8 त्रिक 24 सीधी सी बात, 10 चौका 40 सीधी सी बात, कर पाए कि नहीं कर पाए? हो गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला टर्म क्या होगा ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बताओ भाई अगला टर्म क्या होने वाला है, अगला टर्म क्या होने वाला है? और अरे वाह, एमएससी की कह रहे मैथ करा दो, ठीक है दादा। बहुत आसान क्वेश्चन, अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो अभी आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, कहेंगे सर जी इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आ जा रहा है ना, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। चलो आओ जरा देखते भैया, कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करो भैया, देखो भाई सिंपल क्वेश्चन। आओ भैया, यहाँ पे क्यों पहले नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पे चौथे नंबर पे आ गया, यहाँ पे पांचवें नंबर पे आ गया और भैया यहाँ पे छठे नंबर पे आ गया? क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना, कोई परेशानी है किसी बालक को? एकदम आसान क्वेश्चन था, हमने एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं कराया भैया, एकदम आसान क्वेश्चन कराया, बस कुछ है ही नहीं। तो पोजिशन ऑफ क्यू इज चेंजिंग, बात एकदम क्लियर है, एकदम तगड़ा हो गया। लाइक कर दिया कह रहा है सर जी मैंने, हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइक वगैरह करो। देखो भाई एक्शन रिएक्शन का सबको रूल पता है यार, है ना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप इसका फल नहीं दोगे तो आप मेहनत करोगे तो आपका फल कोई कैसे दे देगा, ये तो सोचो भाई। अगर हम यहाँ पे 2 घंटा खड़े हैं, पीपीटीज बनवा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका फल नहीं दे रहे हो। सोचो नहीं हम रखे रहे, जब एक मोर पंख से 2 मोर पंख हो जाएंगे तब फिर निकाल के दान करेंगे। तो आप जो मेहनत करो आपका फल कोई कैसे देगा, ये भी तो सोचा करो, है कि नहीं। चलो आओ जरा देखते भाई अगला टर्म में क्या आएगा, जरा जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एनटीपीसी मेंस का भी करा देंगे, पहले प्री तो हो जाने दो, है ना, फिर तो मेंस कराएं। और जबरदस्ती नहीं करो, क्वेश्चन आ रहा है तभी करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि हमें आंसर खाली कर ही देना, कमेंट कर ही देना है ना। आंसर कमेंट करने के चक्कर में ना रहो, जब तक क्वेश्चन ना आए तब तक आंसर मत कमेंट करो भाई। अगर क्वेश्चन आएगा तभी आंसर कमेंट करना। चलो आओ जरा देखते हैं भाई, ध्यान से करना, एकदम आसान से करना, एकदम बढ़िया तरीके से कर जाओगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। एम का नंबर कितना होता है? जनता बोल पड़ेगी सर जी 13 होता है और ये होता है 10 नंबर पे। 13 से 10 यानी कि 3 माइनस। पी क्यू आर एस 16 17 18 19 हो गया, 19 से 3 माइनस करोगे मतलब 16वें नंबर पर जो आएगा वही रखोगे, तो पी आ गया। बोलो हाँ या ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब पीडी पीडी दोनों में कॉमन है, पीडी पीडी दोनों में कॉमन, यानी हमें तीसरा वाला वर्ड देखना है। तीसरे पे एन है, एन कितने पे होता है भैया? 14 नंबर पे होता है। तीसरे पे के है, के कितने पे होता है? किंग्स 11 होता है, यानी ये भी -3 हो रहा है, ठीक है। एन कितने पे होता है? 14 पे हो रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा? -3 यानी 11 नंबर पे आएगा, यानी के आएगा। तो के आने पे ऑप्शन नंबर सी ही होगा, पीडी के, यानी सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा और सभी को समझ में आ जाएगा। जरा देखो भैया क्लियर है, एकदम कोई परेशानी है? क्लियर है, मैं देख देता हूं ऑप्शन ताकि क्लियर दिखाई दे, है ना। तो क्या हो जाएगा? पीडी के बोले तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही, पक्का है। बस सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन निकालो और अगले क्वेश्चन में बढ़ो और बताओ भैया क्या आएगा। चलो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बीच का टर्म है गायब, बताओ क्या सोच सकते हो भाई। ग्रुप डी का क्लास स्टार्ट है, सुबह 9 बजे मैथ की क्लास ग्रुप डी की चल रही है, बहुत ताकतवर क्लास चल रही है, पक्का डेली से 1.5 से 2,000 बच्चा वहां पे दिख रहा है। और अभी भी अगर आपको ग्रुप डी की क्लास स्टार्ट होने का वेट करना है तो फिर करो, जब खत्म हो जाए कोर्स तो फिर से बोलना। और प्लेलिस्ट भी अब तो ग्रुप डी का, अब तो प्लेलिस्ट भी बन गया है ना। अब तो ग्रुप डी का प्लेलिस्ट भी बन गया है। अब वो वहाँ जाके और ज़्यादा तहलका मचाओ, है ना, पूरा डेक डालो, जितना पढ़ा दिया पूरा देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। इस बात को लिख के रख लो कहीं भी। चलो भैया, कितना बच्चा ये क्वेश्चंस कभी नहीं कर पाता है, हमेशा आया बट बच्चे ने छोड़ दिया, कैसे कर पाएंगे जरा जल्दी से बताओ। सिंपल सा जरा समझो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो चीज़ों को काउंट करना शुरू करो, है ना, जैसे गिरो कितना सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चीज आ रही है। तो अगर कभी भी 12 आ जाता है तो 12 का मल्टीपल होता है 3 और 4, तो या तो हम उसको 3 3 के पार्ट में तोड़ते हैं या तो 4 4 के पार्ट में तोड़ते हैं, बट बड़ा वाला पहले कर देते हैं, यानी 4 के पार्ट में पहले तोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ लाइन लगाया, 1 2 3 4 यहाँ लाइन लगाया, 1 2 3 4, ठीक। इसके लास्ट में एन एन है, यहाँ पे एन तो यहाँ भी एन होगा, यहाँ एन तो यहाँ एन होगा, यहाँ डी एम है तो यहाँ भी डी एम लगा लो और यहाँ भी डी एम लगा लो। खत्म हो गया क्वेश्चन। आ गया बच्चू लाल की तरीके से कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर एकदम क्लियर। अरे हाँ या ना बोलो भैया, पक्का है? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? लग रहा है एकदम आसान क्वेश्चन, तो अगले पे आ जाओ, बताओ। ठीक है, और सब बढ़िया, सब तगड़ा। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, राजीव सुनील से कैसे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। सोचो और बताओ भैया, क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बहुत बढ़िया, और सोचो भैया। छठा पेज आ जाएगा आपका, अप्रैल में ही स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्च में तो 27 को यही पांचवा पेज ही खत्म ही होगा, और तुरंत 28 मार्च को तो होली है ना, तो छठा पेज तो अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। 9 मार्च को पेपर है, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है तो कैसे करोगे भैया, है ना, आसान ही पेपर आ रहा, बस पढ़ डालो, पीडीएफ जो रखी है हमने जो दे रखी है वो पूरा कर डालो, सिंपल है। सभी बच्चों का आंसर आएगा, उसका क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, भांजा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, ये सब सिंपल कर लेते हो, है ना। नेक्स्ट पे आओ, बताओ क्या होगा भैया, नेक्स्ट पे आओ जल्दी से, और जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बीते हुए कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? और कह रहे हैं सर जी पैसे में देते हो आप पीडीएफ। हाँ बिल्कुल सही बात कहा, बहुत बढ़िया कहा आपने, ठीक है। जरा करो, बीते हुए कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था, और हम पैसे में पीडीएफ देते तो बहुत बुरे हैं, जो पैसे में पूरा का पूरा कोर्स बेच रहे हैं और अपने चैनल पे सिर्फ 1 से 2 दिन लाइव आ रहे हैं और पूरा कोर्स पैसे में बेच रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छे, वो वहां जाके कोर्स खरीद लेंगे, बट ये 30-40 रुपए के पीडीएफ खरीद के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सर तो डेली फ्री में पढ़ा ही रहे और फ्री में डेली सारी पीडीएफ तो दे ही रहे हैं जितनी क्लासेस चल रही है, बट उन्होंने जो पीडीएफ पे ज्यादा मेहनत करी होगा उसका 10-15-20 रुपये ले रहे हैं, तो सर जी ज्यादा खराब हो गया। वेरी गुड, आओ भैया बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा भैया? शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी आपका फ्राइडे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कहता है? बीते हुआ कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो 4 दिन पहले और कल के बाद, तो 4 और आज का दिन लेके 7, 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 बराबर आपका वही फिर से वही दिन वापस आ जाएगा। बोले तो शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे आराम से शुक्रवार हो जाएगा। अगला नंबर बताओ भैया क्या आएगा? 56 के बाद का अगला टर्म क्या आएगा? थोड़ा सा कहा है पूरा सामने आ जाए हम, है ना, थोड़ा सा कहा है हम पूरा ही सामने आ जाए। बताओ भैया क्या हो पाएगा? अगर सामने आ जाएंगे तो क्वेश्चन कौन देखेगा? है दिखाई देगा आपको क्वेश्चन, तब तो क्वेश्चन भी तो आप ही को देखना है, और सामने आ गया तो क्वेश्चन दिखाएगा ना, फिर अलग से गाली दोगे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है। 6 से 18 3 21 7 56, तो क्या हो पाएगा? ठीक है सोचो, ठीक है, ठीक है, और जरा देखते हैं, 100 दिमाग लगाते। 6 त्रिक 18, 3 सते 21 और 7 अठे 56। कुछ मामला बन रहा है क्या? अगला टर्म क्या आएगा? 6 3 और 7, कुछ तो टर्म ही नहीं बन रहा है इसमें। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, कैसे 8 आ रहा है? 8 सते 7 3 21, 6 3, अच्छा ये भी तो एक मामला बनना भाई, है कि नहीं? ये सब तो छोड़ो, कितना आसान क्वेश्चन है भाई ये। 6 त्रिक 18 और 3 सते 21, 7 अठे 56, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। वेरी गुड यार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, पक्का है भाई, सबको एकदम क्लियर हो गया कि ए ही सही होगा, बाकी तो और हो ही नहीं सकता। एकदम क्लियर, एकदम भाई आराम से समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा नजर घुमाते हैं और देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। भैया बताओ ऑड नंबर इसमें से कौन सा है, जरा जल्दी से बता दो भैया कि ऑड नंबर इसमें से कौन सा है। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए। एक बार टेक्निकल टीम जो हमने लिंक दे रखा बच्चों को, जरा वो दे दीजिए, तो वो पीडीएफ जो है पूरे प्रीवियस ईयर के पढ़ मतलब जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो पूरा कर डालेंगे। ऑड नंबर इनमें से कौन सा है 27 और बाकी सभी ऑप्शन में से, ऑड नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? और सोचो भाई क्या हो सकता है। लेकिन और लुप्त संख्या क्वेश्चन में कह रहा है और यहाँ पे ऑड नंबर कह रहा है। क्वेश्चन यार मुझे लग रहा है कि गलती है क्या, है ना? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रॉन्ग है ना? कुछ रॉन्ग है इस क्वेश्चन में, इसको कर दो रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक, या फिर इनकम्प्लीट कर दो कि भैया ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग दे रखा है या फिर कुछ इनकम्प्लीट दे रखा है ना, इस वजह से भी हो सकता है। तो हो सकता है मे भी कुछ एरर आ रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उन लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 64 से क्या होगा अगर 144 13 से रिलेट हो रहा है तो, और 64 से क्या होगा अगर 144 से रिलेट हो रहा है तो, बताओ भैया। 13 सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। और पीडीएफ भैया जिनको चाहिए, देखो मैंने लिंक डलवा दिया है, आप जहां पे कमेंट कर रहे हो ना भन 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 भन, वहीं पे लिंक है, और अभी 20 रुपए का ऊपर का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। देखो 13 में से 1 कम करोगे 12, उसी का स्क्वायर दे रखा है, तो 9 में से 1 कम करोगे 8, उसका स्क्वायर दे रखा है। आ गया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं। बताओ भाई यहां पे कौन सा वाला टर्म होगा, जरा सोचो और बताओ। और कैलेंडर भी करा देंगे, डोंट वरी फॉर दैट, सब करा देंगे। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ेंगी ना, एक ही साथ कैसे बढ़ जाएंगी, ठीक है। और यहां पे कौन सा टर्म होगा? अभी तो 7 बजे फिर से अनअकैडमी पे क्लास है, फिर से रीजनिंग की क्लास है। देखते तब तक कोई आप में से जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, कि हाँ है जिंदा सर जी, कर पाएंगे फिर से रीजनिंग, ठीक है। आओ जरा देखते भैया, देखो 5 के बाद 7 आया, 14 के बाद 19 आया, 5 2 7, 7 4 11, ऐसे भी नहीं आएगा ये, है ना। 5 2 का जुड़ा, फिर 3 जुड़ेगा, यानी 7 3 10 हो जाएगा, फिर 4 जुड़ेगा, यानी बीच में तो आपको 10 देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यहां भी एच, यहां भी एच, यानी हम लास्ट वाला नंबर देखना शुरू कर दे भैया। तो लास्ट का नंबर जरा यहां से आके देखो, टी आता है 20 पे, पी आता है 16 पे, और एन आता है 14 पे। 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, यानी यहां पे 18 वाला आना चाहिए था। और 18 पे कौन आता? पी क्यू आर। 16 17 18 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या सी सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो सी का मामला एकदम भाई क्लियर है, 100% सोच लेना कि हाँ सर जी सी का मामला एकदम क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाओ इस वाले पे, साइंटिफिक नेम पे। रीजनिंग बहुत कर लिया, अब 7 बजे की क्लास के लिए भी छोड़ दो, जो कि अनअकैडमी पे होगी, फ्री वाली जब क्लास होगी उसके लिए छोड़ दो, वो टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं इस साइंटिफिक नेम के लिए। सुबह 11 बजे वाली क्लास में कौन कौन सा बच्चा साइंटिफिक नेम में था, ये बताओ। बताओ भाई सुबह 11 बजे क्लास में कौन कौन सा बच्चा साइंटिफिक नेम में था, जरा मी कमेंट करो। थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप होते तो आप आराम से यहाँ पे रिवीजन कर लेते और आप हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हो जाता। और अगर नहीं थे तो भाई आपका नुकसान, तो अगर आप थे तो रिवीजन कर लो तगड़ा। रेडी एवरीवन? मैं बोलता चलूंगा और कमेंट करते चलना, एक भी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और सभी बच्चा लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट कर देते। देखो दो चीज हमेशा देखो, मैं बार बार प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे साथ एक चीज बता रहा हूँ कि दो क्लासें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। एक तो सुबह 11 बजे जो अनअकैडमी पे, ये दोनों अनअकैडमी पे होती है, इसका एक भी रुपया आपका नहीं लगना है और आपको बहुत तगड़ा ध्यान से मिल जाएगा। ये फ्री क्लासेस जा रही हैं। और कोड क्या है जी सर? एक तो 11 बजे होती है जनरल अवेयरनेस की क्लास, और दूसरा जो होता है वो 7 बजे होता है रीजनिंग की क्लास। मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कराता हूँ, और जानते हो कल कौन सा टॉपिक कराया जाएगा? कल कराया जाएगा 11 बजे जितना भी बिटवीन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब कराया जाएगा। अब सोचो बिटवीन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, अब आपको 1 घंटे के अंदर सब याद हो जाएंगे। अब यार देखना है 11 बजे वाला बच्चा धमाल मचाने वाला है। जरा स्टार्ट करा जाए पक्का। आ जाओ जरा देखते हैं भाई क्या होगा। बकरी का वैज्ञानिक नाम? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो और बताओ भैया क्या हो पाएगा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई। और अनअकैडमी बफरिंग कहाँ होता है दादा? इतना ज़्यादा उस पर वो है तगड़ा, वो है प्लेटफॉर्म, कहते हो बफरिंग होता है। बहुत बढ़िया। बकरी का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई। बकरी तो भाई काटते किसको, किसको काट के खाया जाता है? यहाँ भारत ही नहीं पूरे विदेश में बकरी को काट के या बकरे को काट के खाया जाता है। तो हिट किया जाता है, काटा जाता है, फिर खाया जाता है। तो भैया क्या हो गया? हिट करा और कैप्टा यानी काटा, तो क्या हो गया? कैप्टा हिटमस यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या बिल्कुल बात क्लियर हो गया भैया? अरे पक्का है। चले अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आ जाओ। हमने कहा यह बता दो दादा कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डॉल्फिन। अब हर चीज का ट्रिक ना खोजने लगना, है ना? अब हर चीज का ट्रिक ना खोजेंगे सर जी, हर चीज का ट्रिक बता देंगे और हम यहाँ पे राजा बन जाएंगे। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, तो भैया डॉल्फिन जो होती है ना, वो प्लेनेट की बड़ी सुंदर वो है, कह सकते हैं रचना है ना? डॉल्फिन का आपने फोटो दे रखी होगी, डॉल्फिन हर जगह रखी भी रहती है, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी डॉल्फिन वाला वो बन के आया रहता है ना? तो प्लेनेट से रिलेट कर सकते हैं। प्लेनेट बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तो तीनों नाम तो आपको सिंपल सा, अभी आगे जब पढ़ोगे तो तीनों सिंपल ही से जान जाओगे कौन से किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। हमने कहा बैल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑक्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बैल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? और सोचो जरा सा, ऑक्स यानी बैल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो भैया एक चीज आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, इन्हें कुछ नहीं आ रहा है, एकदम ही जीनियस नहीं है, इन्हें दो का पहाड़ा अभी तक का नहीं याद हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, एकदम बैल आदमी है। भाई बोला जाता कि नहीं बोला जाता? भाई हमारे जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर यही कहते थे, इनको कुछ नहीं तो बैल आदमी है। तो जो एकदम ही जीनियस ना हो, जीनियस जो ना हो, है ना, जो एकदम ही मोनोटॉरस हो, एकदम ही जो है वो हो, खतरनाक ही प्राणी, कोई मतलब ही ना हो दुनिया से, एकदम ही जो जीनियस ना हो, वो क्या हो जाता है? बैल हो जाता है। और सुबह 11 बजे क्लास में मैंने यही याद करना सिखाया था और आज बच्चों को एकदम रिवीजन भी हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा अलग लेवल का। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भैया? जरा जल्दी से बताओ। और नीचे एमडी क्लासेस का टैग चला दीजिए सर जी। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता भाई? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम, मोबाइल नंबर बता दे इनको, कोई बच्चा कह रहा है। ठीक है, क्या होता है घोड़ा? तो भाई आपको पता है काबुली घोड़ा बड़ा फेमस होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना पहले टाइम पे हाई। काबुली घोड़े तो बड़ा फेमस होता है, तो इक्वस कैवल्स या फिर कैवसल, ये काबुली घोड़े से रिलेटेड कर लो, ये घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो गया। एकदम बात क्लियर हो गया। अरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नेक्स्ट पे आ जाओ। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्याज का वैज्ञानिक नाम। क्योंकि देखो पेपर में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, इसीलिए याद रखना ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। प्याज का वैज्ञानिक नाम, और सोचो। और तो भैया प्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? कहोगे सर जी ऑनियन बोलते हैं। ऑनियन तो बोलते हो कि और कुछ बोल देते हो? ऑनियन ही बोलते हैं। तो ऑनियन से क्या बन गया? ऑलियम बन गया। ऑनियन से क्या बन गया? ऑलियम बन गया। तो ऑनियन या फिर ऑलियम, है ना। और पीसते हो कि नहीं पीसते हो? वही ऑलियम सीपिया, है ना, पीसते हैं। ये बाकी हो तो अलग चीज है, बस ऑलियम ही आपको दे रखा हो, वहीं टिक्का मार दोगे भरने से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने। जरा आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, रेडी? बफरिंग कह रहे हैं सर जी, होने लगा। एक बार देख लो सभी लोग, क्लियर चल रहा भैया? और एक बार क्लियर चल रहा है, एकदम क्लियर? ओके, चलो भैया एक बार देख लीजिए क्या हो गया। नेटवर्क इशू, एक बार देख लो भैया। ठीक है, चलो चल रहा भैया, आवाज आ रही है? नो बफरिंग, एकदम क्लियर चल रहा है। ठीक है, आ जाओ। हमने कहा ये बता दो अगला टर्म आ गया, लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑल क्लियर, चलो ठीक है भाई। लहसुन का वैज्ञानिक नाम, भाई लाइक वगैरह करते रहो कि बार बार बोलने रहना पड़ेगा। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? और बताइए, और जरा सोचिए क्या हो पाएगा लहसुन का वैज्ञानिक नाम। नोटिफिकेशन आए किसी क्लास का ना आए, आपको जरूर आना है। तो भैया आप कभी भी किसी भी होटल में अगर जाते हो, है ना, तो आपको देखा जाता है कि आपको वहां पर वो प्याज सर्व करते हैं, सारी चीजें सर्व कर देंगे। क्या वो कभी आज तक आपको लहसुन सर्व करे हैं? नहीं ना करें हैं। तो याद करने के तरीके से कैसे कर सकते हैं कि लहसुन का वैज्ञानिक नाम सर्व से हो गया सेराइवस, यानी एलियस सेराइवस। लहसुन को कभी भी सर्व नहीं किया जाता है, तो लहसुन का क्या हो गया? सर्विस से याद रखो, सेराइवस, है ना, दोबारा कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, पक्का है। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता भैया? ये तो बहुत ही आसान है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम और बताओ भैया, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एक बार जरा देख लो। और ठीक है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान से क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। एक सेकंड, बफरिंग हो रही है बच्चों की कि सही चल रहा है? सही चल रहा है ना, एक बार देख लो भैया, सही है। तो अंगूर, आपको पता है यार, अंगूर की जो खेती होती है ना, ये विटिकल्चर कहलाती है। अंगूर का खेती करना विटिकल्चर कहलाता है, तो इसीलिए अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिसस हो गया, विटिटस बोलते हैं। अंगूर की खेती करना आपका विटिकल्चर कहला गया। पक्का है? चले इसको अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आ दो भैया। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोले तो ब्लैक पेपर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्लैक पेपर बोले तो काली मिर्च, वैज्ञानिक नाम क्या होगा? और हाँ, तो पेपर से क्या बना दो? पाइपर बना दो। क्या बना दे? पेपर से पाइपर बना दे, है ना। तो ब्लैक पेपर यानी पाइपर, तो काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम पाइपर निग्रम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कोई बात खत्म, नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। हमने कहा गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन भैया, ये बताओ क्या होगा गन्ने का? और लाइक वगैरह यार करते रहो सभी के सभी बच्चा। गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सबसे आसान सा क्वेश्चन, सबसे इजी सा क्वेश्चन। तो क्या होता है गन्ने का वैज्ञानिक नाम? भाई गन्ने को अंग्रेजी में बोलते हैं सुगर केन, तो सुगरेन्स, ऑप्शन नंबर डी। वहीं से, बस वहीं से मिला लो, खत्म हो जाएगी बात। तो गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या सभी को याद हो गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम, जो गोभी होता है ना, उसका वैज्ञानिक नाम, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? और जरा सोचो कि फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ, तो भैया गोभी जो है वो फूल गोभी है, उसका वैज्ञानिक नाम आप सभी से पूछा गया, क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब इसको याद करने का तरीका खुद ही बना लेना दादा, कि क्या तरीका है फूल गोभी के लिए, खुद ही बनाना, देखना। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हल्दी है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जरा जल्दी से बता दो, हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? और सोचो जरा सा क्या हो पाएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम। तो भैया देखो क्या होता है, जब शादी ब्याह वगैरह होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जब कार्ड वगैरह एक दूसरे को भेजते हैं तो उस पर कुमकुम लगाते हैं, और कुमकुम के रूप में थोड़ा सा शुभ हो जाए हम क्या लगा देते हैं? हल्दी लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो भाई इसी से बना क्या? कुरकुमा लौंगा, यानी ऑप्शन नंबर हल्दी का जो हो जाएगा कुमकुम लगाना, तो कुरकुमा लौंगा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। अच्छा ये बताओ, सुबह वाली क्लास को वाकई कोई मेहनत करनी पड़ रही है क्या? लग रहा है यार सब कुछ तो हमें आ रहा है ना, है कि नहीं है? अब बताओ कितना आसान हो रहा है। तो एक बार समझ लो, आपको खाली रिवीजन करना था, आपने पढ़ा और आपने रिवीजन कर लिया, आपको सब कुछ हमेशा के लिए याद हो गया, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, है कि नहीं है? नेक्स्ट पे आ जाओ। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, 102% बच्चा सही करने वाला, सबसे आसान क्वेश्चन, बताओ क्या हो पाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान सा क्वेश्चन। तो भाई हर बच्चा जानता है होमो सेपियंस। अब इसको भी याद नहीं कर पाते तो जो होम पे रहता हो, जो घर पर रहता हो, वही तो होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। एकदम क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? सबको एकदम आसानी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, बस इतना ही है क्या? मनुष्य तक ही है क्या? एक बार देख लेते हैं, चलो है। अगला अगला क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताओ भैया क्या होगा? ऊंट का वैज्ञानिक नाम जरा जल्दी से बताओ, सही चला उसमें? ऊंट का वैज्ञानिक नाम, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। 1000 बच्चों पे क्लैपिंग हो जाना चाहिए। एक बार हवा उड़ा दीजिए सर जी। हवा कैसे उड़ा दे भैया? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो भैया ऊंट को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जब ऊंट को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कैमल, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम देखो भैया हो गया आपका कैमेलस डोमेडेरियस। अब एक बच्चा कहा कि सर जी अगर मान लो ऑप्शन में खुदा ना खास्ता कैमलस 2-3 ऑप्शन में दे रखा हो तो क्या करेंगे? भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2-3 ऑप्शन हमें कैमलस दे रखा हो, तो अगर 2-3 ऑप्शन में दे रखा हो, तो मैंने सुबह याद करने का तरीका बता रखा था कि रेगिस्तान में चलने का डेयर सिर्फ और सिर्फ ऊँट के ही पास है। भाई उस गर्मी वाले रेगिस्तान में कौन चल सकता? ऊँट ही तो चल सकता है। तो ऐसा डेयरिंग कौन दिखा देता है? ऊँट ही तो दिखा सकता है। खुद जाके चल के देखो, है ना, अगले दिन सर पे रख के पैर घूमोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भैया, देखते हैं बाघ का वैज्ञानिक नाम। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, जरा जल्दी से बता दो भाई। हाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन से कह रहे सर जी कैमल बहुत गोरा है। अच्छा, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस। भाई बाघ को कहते हो टाइगर और थोड़ा सा है खतरनाक, थोड़ा सा पैंथर, तो पैंथरा टाइग्रिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या हो गया? बाघ का वैज्ञानिक नाम हो गया। मुझे लगता है यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आसानी से कर पाओगे, है कि नहीं है? चले अगले क्वेश्चन पे, पक्का है? चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते, देखते क्या कहता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम। देखो जानवरों के नाम वैज्ञानिक कितने आसान है यार, कुछ है ही नहीं याद करने में, है ना? वही चीज बार बार आपसे पूछा जा रहा है। हाथी का वैज्ञानिक नाम और जरा सोचो तो भैया हाथी को बोलते हैं एलिफेंट, और हाथी का वैज्ञानिक नाम जो आपका आ गया क्या हो गया? बहुत आगे आ गए क्या हम लोग? तो ये क्या हो गया? एलिप्स मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम बड़ी होती है ना, तो मैक्सिमम जो नाम ऐसे थोड़ी आ रखा है, ये ऐसे ही आ रखा है एलिप्स मैक्सिमम, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, मैक्सिमम बड़ी होती है। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो भैया आपने बैल का तो वैज्ञानिक नाम सुन लिया था, यानी बोले तो ऑक्स का वैज्ञानिक नाम क्या था? जो जीनियस ना हो वही तो आपका बैल या फिर ऑक्स हो गया। बट भैंस अलग है, बैल अलग है, गाय अलग है, सबको पता है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलो क्या होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जरा सोचो बताओ भैया क्या हो पाएगा बफेलो का साइंटिफिक नेम? तो भैया भैंस को बोलते हैं बफेलो, तो बुबालम बुबालिस, यही क्या हो गया? बफेलो का साइंटिफिक नेम हो गया। क्या हो गया? बुफालम बुफालम बुबालिस। सबको एकदम क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। सेब का वैज्ञानिक नाम जरा जल्दी से बता दो क्या हो पाएगा? आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। सेब का वैज्ञानिक नाम और जरा सोचो, और जरा सोचो सेब का। हाँ तो भैया सबको पता होगा सेब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेलस प्यूमिला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको याद करने का तरीका खुद ही सोचो कि क्या सोच सकते हो। हमने 11 बजे क्लास में बता रखा था, अगर आपको याद करने का तरीका खुद ही पता हो तो जरा सोचो। और देखो क्लास जो बच्चा नहीं देखा कैसे देखोगे यार? टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को पता लगा 1,23,000 से ऊपर बच्चा टेलीग्राम चैनल पे, तो जब आप जाओगे उस पर तो थोड़ा सा ऊपर और करोगे तो आपको साइंटिफिक नेम और वहां पे दिख जाएगा लिंक अनअकैडमी का। वहां पे जाना, आपसे अनलॉक कोड मांगेगा तो एसजी सर अनलॉक कोड लगा लेना, और मेरा नाम है सत्यम गुप्ता, यही सर्च कर लेना। रेलवे कैटेगरी में आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है? वो भी काम कर लेना पक्का। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। केसर का वैज्ञानिक नाम और जरा सोचो क्या हो सकता है भैया केसर का वैज्ञानिक नाम? बिल्कुल भाई बढ़िया है सबको, तो क्या होता है? क्रॉकस सैटिवियस। केसर से बना क्रॉकस, केसर से क्या बना? क्रॉकस बना, तो क्रॉकस सैटिवियस। अच्छा ये विटियस किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? अभी तो ये पढ़ ही चुके हो, है ना? अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो विटिकल्चर से क्या बन गया? विटियस बन गया कि नहीं बन गया? कोई परेशानी? और ये मैग्नीफेरा किस चीज का भाई? मैग्नीफेरा किस चीज का है? तो तुरंत बोलोगे सर जी मैग्नीफेरा बोले तो आम का है। और ये कुरकुमा लाऊंगा, हल्दी, कुमकुम लगाना, हल्दी का हो गया वैज्ञानिक नाम। एकदम आसान लग रहा, सब कुछ समझ में आ रहा, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो रही है? ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये भी मैंने सुबह 11 बजे क्लास में बताया था, जरा सोचना कि यार क्या होगा। और मूली का वैज्ञानिक नाम और हाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। मूली का वैज्ञानिक नाम होगा रफानस सैटिवास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बताया था भैया सुबह 11 बजे क्लास में? रफानस सैटिवास, ये होता आपका मूली का वैज्ञानिक नाम, है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे याद कर सकते हैं एक बार लाइक करो फिर देखते हैं। हाँ ठीक है, थिलके बिल्कुल, हाँ सत्यानाश, बिल्कुल सही कहा था, है ना भाई? क्या बता था? मूली खाने के बाद सत्यानाश, फिर समझ लो। तो आपका क्या हो गया? रफानस सैटिवास इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते भैया। अगला क्वेश्चन आता है सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सरसों तेल जानते हो ना, वही, उसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ और जरा बताओ भैया। सिंपल क्वेश्चन याद रखना भाई। देखो सरसों का जो बीज होता है बड़ा छोटा होता है, ऐसा लगता है किसी ने कंप्रेस कर दिया उस बीज को, होता है कि नहीं होता भाई? सरसों का पेड़ आपने देख रखा होगा, एकदम येलो येलो होता है, पूरा पेड़ पूरा खेत एकदम येलोइश होता है, तो उसका जो बीज बड़ा छोटा होता है, ऐसा लगता है किसी ने कंप्रेस कर दिया उसको। तो भाई क्या हो जाएगा? क्रम्पेटिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ब्रेसिका क्रम्पेटिस क्या हो गया? सरसों का वैज्ञानिक नाम हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन कर पाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। आम का वैज्ञानिक नाम किसी बालक को बताने की जरूरत है? आम का वैज्ञानिक नाम नहीं ना, सबको पता है, सबके लिए सिंपल है, सबको आसान है। आम का वैज्ञानिक नाम पक्का पता है, तो क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एकदम इजी तरीके से, एकदम आसानी से बता पाओगे, मतलब बिल्कुल ही आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने का, कुछ भी इसमें समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या कहते हैं। एक बार हमने लिंक जो दे रखा बच्चों को 7 बजे क्लास का लिंक दे दीजिए, ताकि जो बच्चा उस क्लास को देख ले। एक बार 7 बजे की क्लास का लिंक दे दीजिए, हमने भेज दिया आपको। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नाशपाती, वैज्ञानिक नाम नाशपाती का क्या होता है? हाँ बिल्कुल, नाशपाती। तो भाई नाशपाती क्या होता है? पाइरस क्यूमिनी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि नाम बोलते हैं पाइनएप्पल। नाम क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल पाइरस क्यूमिनी, वहीं से क्या बन गया आपका? पाइरस क्यूमिनी बन गया, है ना। तो पाइनएप्पल से बन गया पाइरस क्यूमिनी। नेक्स्ट पे आ जाओ दादा, मेढक का वैज्ञानिक नाम। हमने अपने बचपन की किताबों में बहुत पढ़ रखा मेढक का वैज्ञानिक नाम, है कि नहीं है? बताओ जरा क्या होगा मेढक का वैज्ञानिक नाम। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो सबसे फेमस था, राना टिगरीना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर है, 100% बच्चों का आंसर बिल्कुल ये सही आ जाएगा। तो राना टिगरीना मेढक का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश कमजोर प्राणी है कि नहीं है? 4 पैर बड़े हैं लेकिन बड़े कमजोर होते हैं उनके पैर। तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, क्या हो पाएगा और क्या हो पाएगा? जरा सोचो भाई और बताओ। बिल्कुल सही है यार, इतने कमजोर होते कि हम चाहते कि भगवान से उनको अरेक्टो और लेग मिल जाए, मतलब एक और लेग मिल जाए, ऐसा चाहते हो। तो ऐसा याद करने का एक तरीका बना सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया अभी हम कर रहे हैं इतने पर ही इंड, है ना। जितना बच्चा है सभी के सभी ध्यान दीजिए, इतने पर ही कर रहे हैं एंड। इसमें जो भी चीजें बची रह गई हैं वो हम कल वाली क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। कल मैराथन क्लासेस होंगी संडे को, सुबह 9 बजे डीआई की पूरी कंप्लीट क्लास कराने वाले हैं। और आज जैसे मैंने अभी रिविजनिंग के टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस करा रखे हैं ना, उसमें मैंने फिगर वाले क्वेश्चन छोड़े थे। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे आपको वो दिखता नहीं है, बट वो अनअकैडमी के क्लास में आपको मिल जाएगा। कैसे जाओगे? देखो एकदम फ्री क्लास है, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा, जरा देख लो। 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। आपको करना क्या है? जो अनलॉक कोड है, जो कोड आप लगाओगे जिससे आप क्लास को फ्री में देखो, जिससे पूछेगा वो लगा देना, नहीं पूछेगा तो कोई बात ही नहीं है। ये लगा देना एसजी सर, मतलब कि सत्यम गुप्ता सर, ये अनलॉक कोड है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, रेलवे कैटेगरी में जाना। नाम क्या है मेरा? सत्यम गुप्ता मेरा नाम है। पहले तो आप मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको कम से कम नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का, और या फिर आप स्पेशल क्लासेस में जाके, फ्री क्लासेस में जाके सर्च कर लेना, स्पेशल क्लासेस होता है। दूसरी बड़ी बात, लिंक भी मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, लिंक पे क्लिक करके सीधे जाके जा सकते हो वहां पे। कितना बच्चा आने वाला है 7 बजे क्लास में, जरा ये बता दो भाई। जो बच्चा पहली बार आएगा उससे कोड जरूर मांगेगा, तो जरूर डाल देना ये, ताकि सारी क्लासेस फ्री में देख लेना। पक्का ओके है? हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, वेरी गुड यार। तो 7 बजे क्लास में रीजनिंग के लिए मिलो, एक तगड़ी प्रैक्टिस सेट करते हो, बहुत बेहतरीन करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या उस प्रैक्टिस सेट में है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको जाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और रेलवे कैटेगरी में सत्यम गुप्ता सर्च करके आ जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ जल्दी से, नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे बता देते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, जो भैया ना जो बच्चा नया आया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, और एक बार जाते जाते जिस भी टेलीग्राम से जुड़े हो, जिस भी फेसबुक से जुड़े हो, किसी भी व्हाट्सएप जुड़े हो, बस शेयर मार देना ताकि सारे एनटीपीसी वाले बच्चे जान जाए कि रिवीजन क्लास असली तो यहीं चलती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।